वेलकम बैक टू माय चैनल थाईलैंड बड़ी। दोस्तों आई होप कि आप फिटफाट होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज आपको दिखाता हूँ यहाँ के गांव कैसे होते हैं। और आजकल तो वैसे जो बैंकॉक सिटी या अदर सिटी में लॉकडाउन है, बट जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ कोई असर नहीं है। यहाँ का वेदर बहुत बढ़िया है और आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखो दोस्तों जो ये पेड़ है सब ये रबर ट्री है। यहाँ कंट्री साइड रहने में मजा ही कुछ और है। यहाँ कोई भीड़ आगे से दूर, अपना फ्रेश एयर है, इधर नेचुरल ब्यूटी देखो। ये सब पाम के पेड़ है, बहुत ही सुंदर। यहाँ के घर ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ पर विश्राम हो रहा है, यहाँ पर बैठ सकते हैं, अपना खाना पीना खा सकते हैं। ये देखो नारियल के पेड़ दिख जाएंगे आपको हर जगह। अभी खाना लेने जा रहा हूँ, देखते हैं आज क्या लूँ। वही थाई करी खाऊंगा आज। मैं अर्ली मॉर्निंग तो हमेशा घूमने जाता हूँ, अर्ली मॉर्निंग होगा, इवनिंग टाइम हो गया। यहाँ को जैसे अभी बैंकॉक गया अदर सिटी में तो बहुत ही बुरा आता है लॉकडाउन पर। यहाँ कोई ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे घर सब दूर दूर है। और क्या है यहाँ पे, सब बड़े बड़े सब पेड़ है यहाँ पे। क्या वेदर है यार, मज़ा आ जाता है। ठंडी हवा चलती है। बैंकॉक में तो बहुत दिक्कत है, इधर उधर जा नहीं सकते हैं। पाम ट्री है आपको यहाँ थाईलैंड में, क्या है पाम ट्री, कोकोनट ट्री और रबर ट्री। तो यहाँ गांव के लोग बहुत अच्छे, मतलब अपना अपना बिजनेस करते हैं। ये नहीं यहाँ किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये नहीं। ये अपने गांव में रह के ही अपनी खेती बाड़ी करते हैं। ये देखिए ये पाम के पेड़ है, पाम ट्री। ये देखो ये घर, जो यहाँ के घर होते हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। देखिए जिसकी छत होती है ना, मजा आया जाता है। देखिए घर के आगे सब कोकोनट दिख जाएंगे आपको। कोकोनट, रबड़, पाम, ये सब मिलेगा इधर। ये रबड़ के पेड़ है। गमलों में जो नीचे वो लगा रहे कटोरे से, उसमें एक इकट्ठा होता है, फिर ये सब लेकर इसको फैक्ट्री में बेचते हैं, जिससे रबड़ के बहुत से टायर वगैरह सब इसी से जो बनता है। गार्डन
मजा आ जाता है इधर. देखो क्या कितनी शांति है इधर को. बड़े बड़े पेड़, नेचुरल ब्यूटी, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, झगड़ा नहीं, ये नहीं किसी मतलब ना कोविड का डर. हाँ ये यदि सिटी साइड जाओगे थोड़ा वहाँ दिक्कत है, बट यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. घर होते हैं ना, कोई लकड़ी के भी होते हैं, जो पुराने घर होते हैं लकड़ी के होते हैं, जो नए जो आजकल थोड़ा मॉडर्न सीमेंट बन रहे हैं, बट जो पुराने घर होते हैं, जैसे ये पुराना घर है, ये पूरा लकड़ी का बना है. ये है रबर ट्री, बड़े गार्डन देखो, बड़े बड़े गार्डन. अपने कंट्री साइड रहने में मजा ही कुछ और है यार, दूर दराज में सस्ता ही मिल जाता है. आपको यहाँ 20-30 बाट में मिल जाती है, जो थाई फूड होता है 30 बाट में मिल जाता है, एक दिन खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दोस्तों अब मैं खाने लेने जा रहा हूँ, देखता हूँ लंच में क्या लूँ आज. तो यहीं पे एक आंटी है, उसकी वहीं जाता हूँ लेने के लिए. रोज 30 बाट मिल जाता है, चिकन मच्छी सब मिल जाएगा. देखो ये गांव की, यहाँ के गांव कैसे होते हैं. गया ये ढाबा, ये थाईलैंड का ढाबा आ गया. बनिया लाया ना मायकी नानी, अनी आ रहा है, अनी मिमी खाई पलो. गैंग आई मी, ओके गैंग आई करा है, वो डेक किन 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 लाया ना वनी, अनी आ रहा है. วันนี้เด็กกินไม่ได้นะอันนี้ไข่เจียวเอาไข่เจียวไม่เอาใครจะทำเองวันนี้ไข่ปลาไม่มีเหรอไม่มีวันนี้พรุ่งนี้มีอ๋อพรุ่งนี้มีโอเคอันเดียวคือวันนี้นี่ก็ได้อันนี้บัวแล้วมาซามันไม่ทำเหรอมาซามันทำตัวเองไม่ได้มา
Anh nhìn này à? Thầy anh nhìn mày không? Kì bát, rồi bát đâu?